हेलो डैस फ्रेंड्स, माय नेम इज देशमुख और देखना नीट 2020 के अंदर मेरा बायोलॉजी का स्कोर था 340 आउट ऑफ 360। ठीक है, तो देखना इतना अच्छा स्कोर मैंने कैसे किया। मुझे मालूम था कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक में कैसे आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कैसे कम इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, बट मैं आज आपको सभी चीज़ें टोटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप नीट 22, नीट 23 या तो नीट 24 देने वाले हो तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए। अगर नहीं देखोगे तो मैं कह सकता हूँ आपका भारी नुकसान होने के चांसेस है मेरे दोस्तों। उसका रीज़न मैं आगे जाके एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि देखना आपके पास कितने टॉपिक है, 38 टॉपिक्स है, प्लस एक टॉपिक आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, क्योंकि उसके क्वेश्चन भी आपके बायोलॉजी के अंदर पूछे जाते हैं। तो जब भी मैं बायोलॉजी को प्रिपेयर करता था तो मैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को भी इसके अंदर कंसीडर करता था। 39 टॉपिक्स, 90 क्वेश्चंस। तो आप सभी लोग कहोगे कि भैया हर एक टॉपिक से तो हमारे एक से लेकर दो से लेकर तीन तो क्वेश्चन आने वाले, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन प्लस आपके टॉपिक मिलते जुलते। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक से जहां से चार चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से आपके कभी कभार चार से लेकर ज्यादा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज मैं आपको प्रूफ करके दे दूंगा, इसके साथ मेरा प्रूफ भी होने वाला है मेरे साथ। और आपको एक खास चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे अनएकेडमी की फ्री बायोलॉजी क्लासेस होती है। तो आपको क्या करना है, अनएकेडमी को डाउनलोड करना है, वहाँ पर मेरा नाम सर्च कर लो, वैभव देशमुख, वहाँ पर आपको बस मेरी प्रोफाइल देखनी है। ठीक, वहाँ पर जाके फॉलो कर लो। अगर कोई कोड पूछा जाएगा तो देशमुख 10 कोड लगा देना। तो आपको सुबह 9 बजे आपकी वन शॉट लेक्चर्स होता है, लाइव लेक्चर हो जाएगा, जिसके अंदर हम इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, उसी के साथ कौन सी चीज़ है, हमारे शाम में 7 बजे और 9 बजे क्विजेस होते हैं बायोलॉजी के, 60 मिनट्स के अंदर 100 क्वेश्चंस। ठीक है, फुल सिलेबस टेस्ट होती है, यूनिट वाइज टेस्ट या तो टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर हम एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, एक्सप्लेन भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, एंड उसी के साथ और एक खास चीज, अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर द 45 डेज, जिसकी लगभग प्राइस 10,000 होती है, वे आपके फेस्टिवल सीजन के अंदर, ठीक है, अनअकैडमी के एजुकेशन फेस्टिवल के अंदर आपकी ये प्राइस केवल 299 रुपीज के अंदर आ रही है। अगर आप हमारा कोड यूज करते हो देशमुख 10, तो उसके ऊपर आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब क्या, टोटल प्राइस बस 239 के अंदर आ जाएगी। कोई भी अगर चीज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लिंक्स मिल जाएगी। ठीक है, चलो बैक ऑन द टॉपिक। सबसे खास चीज है कि आपके पास कितनी यूनिट्स है, 11th के अंदर 5 यूनिट्स है। पहले यूनिट 11th का डिस्कस करेंगे, फिर बाद में 12th की तरफ जाएंगे, फिर बाद में पी वाई क्यूज की भी तरह जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक देख लेना आपका आ जाएगा द लिविंग वर्ल्ड, एक से लेकर दो क्वेश्चन, मैक्सिमम एक से लेकर दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल टॉपिक है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं, नॉर्मल पढ़ लो। ठीक है, फिर बाद में आता है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट है, लिख लो यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सामने लिख लो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका रीजन है, दो से लेकर तीन क्वेश्चन पूछ जाते हैं, अभी 100 क्वेश्चन का पैटर्न है, इसके वजह से चार भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखना मैंने 340 स्कोर किया था, मैंने एक सिंगल टॉपिक भी मिस नहीं किया था, मैंने स्किप कुछ भी नहीं किया था, बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें ज्यादा पढ़ता था, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड वगैरह जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताने वाला हूँ उसे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लो यार। ठीक है, बाकी के टॉपिक स्किप नहीं करना, ये फिजिक्स नहीं स्किप करने जैसा, इससे आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आपका स्कोर 340, 350, 360 आ जाए, बट स्टिल आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, प्लांट किंगडम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मतलब क्या, सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है बट ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लांट किंगडम ठीक ठाक है, दो से लेकर तीन क्वेश्चन, कभी कभार आपके मैक्स टू मैक्स दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनिमल किंगडम मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीजन बता दूंगा। मेरे जमाने में नीट 2020 के अंदर 3 से लेकर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके जमाने जब 100 क्वेश्चन का पैटर्न है 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 5 × 5 माइनस कर दिया तो -5 हो जाएगा ना, 25 मार्क्स का वेटेज है आउट ऑफ 360, 25 मार्क्स का वेटेज आ जाएगा आपके एनिमल किंगडम से। सो अगर आप सोच रहे हो कि एनिमल किंगडम को स्किप करना है तो ये ख्याल दिमाग से निकाल दो, क्योंकि एक रीज़न देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनिमल किंगडम की एक छोटी सी वीडियो मिल जाएगी, 27 मिनट्स की वीडियो है, जिसके अंदर मैंने पूरा एनिमल किंगडम पढ़ा दिया है, रडा के ले लिया है, उस वीडियो को जाके देख लो, आपका एनिमल किंगडम हो जाएगा। ठीक है, एनिमल किंगडम वहाँ पर हो जाएगा आपका। फिर बाद में आते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेकंड यूनिट। ठीक है, तो इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, एग्जाम्पल के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% एक क्वेश्चन आपके फ्रूट्स फैमिलीज की वगैरह पूछा जाएगा, एकदम इजी टॉपिक होता है, कभी कभार 3 क्वेश्चन भी आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन या तो 3 क्वेश्चन, क्योंकि देखना इंपॉर्टेंट में से आते हैं बट नॉर्मल टॉपिक्स हैं। बट मुझे लगता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल्स, बच्चे क्या करते हैं, कॉकरोच को पढ़ते हैं, बाकी के दोस्त को स्किप करते हैं। अगर मैं एक नीट एस्पिरेंट होता तो मैं कॉकरोच को पढ़ता, फ्रॉग को और आपका जो अर्थवर्म बचा उसे स्किप कर देता। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा कि आपको क्या करना, बस मैं अपना बता रहा हूं, मैंने खुद से अर्थवर्म और जो फ्रॉग है उसे नहीं किया, मैंने बस कॉकरोच को ही किया था। एंड अगर आपको कोई शॉर्ट नोट चाहिए बायोलॉजी के, एकदम बढ़िया केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स, तो मेरे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये तीनों में से आपके ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसका एक रीजन बता दूंगा। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एज वेल एज द सेल साइकिल एंड द सेल डिवीजन आपकी पूरी बायोलॉजी का बेस है, यू कैन से। अगर आप जेनेटिक्स को पता करना चाहते हो कि रेप्लिकेशन कहां पर होता है, ट्रांसलेशन कहां पर होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, अगर ये सभी चीजें आपको पता करनी है, डीएनए कहां पर होता है, कैसे होता है,
तो ये दोनों टॉपिक सेल यूनिट ऑफ लाइफ एज वेल एज द सेल साइकिल एंड द सेल डिवीजन आपको परफेक्ट करना पड़ेगा. दिस इज द बेसिक टॉपिक ऑफ योर जेनेटिक्स. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड लगभग क्वेश्चन भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बायोमॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट है, ये पूरा यूनिट इंपॉर्टेंट है. रीजन बता दूंगा, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड द सेल डिवीजन बेसिक है, क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं. बायोमॉलिक्यूल्स आपके केमिस्ट्री के अंदर भी, आपके बायोलॉजी के अंदर भी है. तो इसकी वजह से बायोमॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री की वजह से, और सेल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके रिपीट होता है, यस, आपके जेनेटिक्स के अंदर. प्लांट फिजियोलॉजी और आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी तक, यह सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर. सबसे वन ऑफ द बेस्ट आपका मोस्ट आस्क क्वेश्चन आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी से में आते. देखना नंबर ऑफ टॉपिक कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 7 टॉपिक है. अगर हर एक टॉपिक से दो भी क्वेश्चन निकालोगे तो मिनिमम 14, और अगर दो तीन निकालोगे तो लगभग 17 से लेकर 18 क्वेश्चन बस एक यूनिट से आते हैं. 17 से लेकर 18 क्वेश्चन बस एक यूनिट से आ जाएंगे अगर आप मैक्स टू मैक्स पकड़ोगे. प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है देन योर प्लांट ह्यूमन फिजियोलॉजी, बट स्टिल प्लांट फिजियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है. तो क्या करना है आपको, ह्यूमन फिजियोलॉजी को मोस्ट प्रायोरिटी देनी है एंड प्लांट फिजियोलॉजी को भी अच्छे से करना है. प्लांट फिजियोलॉजी के लिए भी सिंपल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो कर लो. तो इस तरह से हमने 11th को कवर कर लिया. मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, एनिमल किंगडम इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजी वाला जो आपका यूनिट है ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसके बाद ये जो सेल वाला इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर हर एक क्वेश्चन के, हर एक चैप्टर के ऊपर एक से लेकर दो क्वेश्चन आराम से. ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर सबसे ज़्यादा मोस्ट आपको ध्यान देना है. फिर बाद में हम आते हैं हमारे 12th के कंटेंट पे, ठीक है. तो देखना 12th में से सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है रिप्रोडक्शन इन द एंजियोस्पर्म्स इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर रहे हो, अगर आप एंजियोस्पर्म्स का कर रहे हो तो बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी कर लो. क्यों? क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आता है अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है. तो रिप्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल में करना है, कंट्रोल करना है मतलब उसके ऊपर कैसे आपकी मेजर्स होनी चाहिए, इसके ऊपर आपका टॉपिक आ जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो मुझे लगता है कि एंजियोस्पर्म्स ह्यूमन का रिप्रोडक्शन अच्छे से कर लो, ह्यूमन का रिप्रोडक्शन अच्छे से हो जाएगा बिकॉज वी हैव सम लिटिल बिट इंटरेस्ट इन दिस टॉपिक्स, ठीक है. एज यू नो एवरीवन हैव, ठीक है, ओके. इसके अंदर आता है फिर बाद में आपका जेनेटिक्स का यूनिट. इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, बट सबसे खास चीज़ पूरे बायोलॉजी में मुझे क्या इंपॉर्टेंट लगता है, पूरे बायोलॉजी में मुझे MBI, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस एंड द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है. प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. MBI के ऊपर 3 से लेकर 4 क्वेश्चन एंड आपका जो GBI मतलब प्रिंसिपल ऑफ द इनहेरिटेंस, इसके ऊपर कम से कम 3 क्वेश्चन, ठीक है. तो लगभग 7 से लेकर 8 क्वेश्चन बस 2-3 टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है. और यूनिट पकड़ोगे तो 10 क्वेश्चन आ जाएंगे. सो इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बायोलॉजी इन द ह्यूमन वेलफेयर सस्ता वाला चीज़ है, ठीक है, फ्री के मार्क्स है. ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस सिंपल है, आराम से पढ़ सकते हो, रट सकते हो, ठीक है. स्ट्रैटेजीज इन एनहांसमेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन सिंपल है, इंपॉर्टेंट है. माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, आराम से हो जाएगा, ठीक है. मतलब ये यूनिट ठीक ठाक है, आप कर सकते हो, ठीक है. फिर बाद में आ जाएगा आपका बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट 2 क्वेश्चन, सेकंड 2-3 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर 3 से लेकर 5 क्वेश्चन आपके आराम से पूछे जाएंगे. तो मुझे लगता है अगर जेनेटिक्स को परफेक्ट करने वाले हो तो इनको भी आराम से कर लो, क्योंकि ये भी हो जाएगी जेनेटिक्स का, ठीक है. फिर बाद में लास्ट यूनिट इकोलॉजी. इकोलॉजी के अंदर चारों के चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट इसके अंदर आपको एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है, सॉरी एनवायरमेंटल इश्यूज तो यहाँ पर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इसे ऐड कर लो. क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चन बायोलॉजी के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है. केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन बायोलॉजी के अंदर पूछे जाते हैं. तो ये जो 5 टॉपिक होने वाले थे इकोलॉजी के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो भैया हम इन सभी टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, बट एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है. जब मैं नीट एस्पिरेंट था तो मैं देखता था कि जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट मैंने एक सिंगल चीज़ भी आपके दोनों एनसीईआरटी से स्किप नहीं की थी. तो उसकी बदौलत मेरा स्कोर 340 आ गया है मेरी नीट 2020 के अंदर. अगर आप चाहते हो कि आपका स्कोर 320 से आगे बढ़े तो आप स्किप नहीं कर सकते. अगर आप चाहते हो कि आप मैक्सिमम स्कोर करो 340 से जाओ तो आप एक पॉइंट भी मिस नहीं कर सकते एनसीईआरटी से. लुक एट मी एवरीवन, ठीक है. यहाँ पर देखो, आपके खास से देखना, आपका जो नीट का पेपर है कभी भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं बनता. तो अगर आप कहीं कोई चीज़ स्किप करने वाले हो तो आप गधे हो. क्यों? क्योंकि 1, 2, 4 पढ़ने स्किप करने की वजह से आपके 5 मार्क्स स्किप होने वाले. अगर आप स्किप करोगे तो आप गधे हो. अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो. फिलहाल भी अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है. नियर अबाउट देर आर द 80 डेज, सो 80 डेज आर मोर देन इनफ. यू स्टिल हैव द 40 टॉपिक्स, यू कैन कवर वेरी इजीली, यू कैन हैव सम कॉन्सेप्ट ऑल्सो. आप रेड भी सकते हो, सभी चीज़ें कर सकते हो. एनिमल किंगडम को 1 शॉट में करना है, आ जाओ. एंड एकेडमी पर हमारी फ्री बायोलॉजी क्लासेस होती है, उसके अंदर देशमुख 10 यही कोड यूज़ करना है, दूसरा कोड यूज़ नहीं करना है. कौन सा कोड? देशमुख 10, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड एकेडमी डाउनलोड कर लो, मेरा नाम सर्च कर लो और कोई भी मेरी वीडियो देख लो, कोई भी वीडियो जाके देख लो आपको, ठीक है. क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मैं क्लासेस कैसे लेता हूँ. अगर आप एक भी बार आओगे ना हमारी क्लासेस के अंदर, डेली आओगे, प्यार हो जाएगा हमारी क्लासेस से. उसी के साथ देखना
अकेडमी पर हमारी फ्री बायोलॉजी क्लासेस होती है जिसके अंदर मैं गिव अवे टेस्ट रखता हूँ, जिसके अंदर जो टॉप रैंकर्स होते हैं उन्हें मैं ये वाली बुक देता हूँ। ये वाली बुक कौन से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। दिस इज द ओसवाल्ड बुक्स लर्निंग मेड सिंपल, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट सेलर। मैंने इसे क्यों खरीदा था, मुझे लगा कि यार बेस्ट सेलर है मतलब सभी लोगों को पसंद आ रही है, कुछ ना कुछ तो कंटेंट अच्छा होगा, मैंने सुना था इस बुक के बारे में। सो इट इज़ अ 34 इयर्स नीट यूजी सॉल्व पेपर्स, आपके जो लास्ट के 34 इयर्स के सॉल्व पेपर्स हैं, आपके चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी। 1988 से लेकर 2021 तक आपके बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन इसके अंदर है। दिस इज द बुक ओनली स्पेसिफिक फॉर द बायोलॉजी, तो इसके अंदर आपको सभी खास चीज़ें मिलने वाली थी। तो मुझे ये बुक पसंद क्यों आई, क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किया है, आपके जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, देखो ये आपका एक्सप्लेनेशन वगैरह हो जाएगा, पूरी एनसीईआरटी की यहाँ पर पूरा एनसीईआरटी छापा है, देखना। लुक एट हियर, मॉर्फोलॉजी द फ्लावरिंग प्लांट्स, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट वगैरह बताया, कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, इसके बाद में इतने तक थ्योरी है जो कि आपकी एनसीईआरटी के है, जस्ट उसके नीचे पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज के नीचे और भी ज़्यादा थ्योरी है, उसके नीचे और उसके ज़्यादा पीवाईक्यूज है। सो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट बुक, मुझे लगता है परचेस कर सकते हो अमेजोन से, ठीक है। इसकी प्राइस है लगभग 799, तो ये ना मैं आपको फ्री में दे दूंगा हमारी अनअकैडमी के गिव अवे क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो ये आप खरीद सकते हो खुद से भी अमेजोन के ऊपर, क्योंकि आपके पास वक्त की कमी है, तो आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गूगल प्ले बुक्स और द स्नैपडील, अमेजोन किंडल सभी जगह पर मिल जाएगी बुक। इज वन ऑफ द बेस्ट बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ द प्रमोशन, बट आई पर्सनली आई लाइक दिस बुक एंड मेनी ऑफ टाइम्स मैंने इसे यूज भी किया है, अपने स्टूडेंट्स को गिव अवे में भी किया। तो अगर कुछ डाउट होता है बायोलॉजी के रिलेटेड तो आज हमारी क्लासेस के अंदर कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, एंड केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो जल्दी ही नए वीडियो के साथ मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।